थोड़ा और ऊपर शहादत का दर्जा जिन्होंने हासिल किया है उनके नाम जिन्होंने बे इंतहा इसमें अपनी देश को तहफ्फुज़ और आज का एक गवर्नमेंट का भी अंदर मैं उतर जाने और आखिर पर 15 जून 2000 जो मुझे याद है क्योंकि हम खेल चुके हैं यहीं सोहीपुरा में हम बहुत सारा क्रिकेट लास्ट आईआरपी बटा इकबाल साहब ने क्या किया उसके घर वालों को बताए बगैर उसने उसको हॉस्पिटलाइज किया सूरत से उसको उसकी ये इलाज डॉक्टर दिया एक नजराना पेश किया जो सबके बस की बात ताकि कोई इसकी तरफ आंख उठा के ना दे सड़कों पे आप सबके लिए आपकी ईद करके आया सुरूर कलियपुरा में वहाँ पर भी एक जवान शहीद हुए थे और यहाँ पर ये जो पीस मार्टियर यहाँ पर प्राइमरी स्कूल का बोर्ड अब यहाँ पे चलेगा डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के मुतबर आप SDPO मागाम एंड SHO मागाम इस बोर्ड की कुशाई हमारे बच्चे तैयार है तो सबसे पहले हम ड्रामा जो नंबर 3 पे था ये ड्रामा यहाँ पे बुकी दी जाए मोस्ट वेलकम हमारे जोरदार तालियों से इसका स्वागत किया जाए और इनके साथ साथ हमारे होनहार SHO साहब जो प्रोग्राम में कशी फरमा हो रहे हैं एक जोरदार तालियां तो हम अपने इस पर प्लीज सिट डाउन मैं इकबाल जो मेरा भाई छोटा था जो शहीद आज से 20 साल पहले शहीद हुआ लेकिन एनकाउंटर में वो पुलिस में काम कर रहा था आज उसके याद में एक तकरीब मुनाकद हुई कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि ये स्कूल जो भी था ये प्राइमरी स्कूल सोमीपोरा में जो है उसके लिए उसको मंसूब किया उसके नाम से आज के बाद इसका नाम रहेगा लेट मोहम्मद इकबाल सोफी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सोहीपोरा मागाम मुझे बहुत खुशी हुई कि इसमें जो बच्चे आज के बाद पढ़ेंगे या जो पढ़ रहे हैं इस मोहल्ले के या कोई और भी आएगा तो वो हमेशा हमेशा इसका नाम लेकर इस स्कूल को रोशन करे और मुस्तकबल में भी याद रहे अगर हमेशा हमेशा याद रहे ये हमारे फैमिली और इस मोहल्ले की और मेरी खासकर अब बहुत खुशी मसरत की बात है मैं थैंकफुल हूँ अपने मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का जिसने हमें हर वक्त हमें मतलब याद किया है हमारे बाप ने मतलब शहादत दी है अपने देश के लिए सो उसी के नाम पे ये प्रोग्राम रखा गया है मतलब स्कूल का नाम रखा गया है तो इससे हमें मतलब हमारे दिल को मतलब सुकून मिला है हाँ उसने मतलब शहादत दी अपने देश के लिए 2001 में तब हम बहुत छोटे थे और तब से हमारे डिपार्टमेंट ने मतलब बहुत सपोर्ट किया है हर वक्त हमको याद किया है हमारे पास पिछले साल से एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है कि हम अपने सरकारी इदारों का नाम दे देंगे उन शहदा के नाम जिन्होंने अपने कौमती नजरा अपनी जान का नजरा अपने मुल्क के नाम किया अपने रियासत या UT के नाम वक्फ कर दिया तो पिछले साल से भी हम प्रोग्राम करते आ रहे हैं आज हमारी 3 स्कूलों का नाम करना था और ये जो यहाँ पर हम स्कूल बैठे हैं इसका नाम हमने आज के बाद बाकायदा तौर पर बशीर अहमद हजाम मेमोरियल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ये जो कहानी हमें इसके नाम पे रख दिया तो इसका बुनियादी मकसद है कि ये जो शहीद हैं उनकी कुर्बानी को याद किया जाए और उनको सराहा किया जाए तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है जिन्होंने उनकी खिदमात उनकी शहादत को कबूल किया और अपने स्कूलों अपने इदारों का नाम उनके नाम पे रख दिया।